नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। खबर है अमरनाथ गुफा की। विश्व प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ गुफा की तर्ज पर यूपी के जनपद सोनभद्र के ओबरा में बाबा बर्फानी की सुंदर गुफा व झांकी तैयार की गई। सावन माह की आखिरी सोमवार को देखते हुए झांकी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। कई वर्षों की भांति मनाई जाने वाले बाबा बर्फानी की भव्य झांकी का आयोजन इस बार भी किया गया। भव्य झांकी का निर्माण पश्चिम बंगाल से आए कलाकारों द्वारा 20 दिन में तैयार कराया गया। दिव्य झांकी की सुंदरता का आकलन इसी से हो जाता है कि झांकी को बाहर से अंदर तक दुर्गम पहाड़ सकरे रास्तों का रूप दिया गया है, जिसमें दर्शनार्थी मुश्किल से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच पाते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही ठंड का एहसास जोर शोर से होने लगता है, मानो जैसे कश्मीर की ठंड वादियों में पहुंच गई हो, जो गुफा के अंदर पहुंचते ही ठंड का एहसास कराती है। गुफा के अंदर बाबा बर्फानी झांकी के आसपास पूरी तरह से हरे पत्तों से सजाया गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे दर्शनार्थी बताते हैं कि बाबा बर्फानी का दर्शन कर बहुत खुशी मिल रही है। उनका कहना है कि जैसे अमरनाथ गुफा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, जिले में एकमात्र बाबा बर्फानी की झांकी बनाई जाती है। कहाँ दर्शन करने आए थे? राम मंदिर में बाबा बर्फानी का दर्शन करने आए। आपने दर्शन किया जी, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर सजावट हुआ है, बाबा देवी को अच्छा दिया गया है। क्या इसके अलावा और कहीं नहीं होता? नहीं, सोनभद्र में कहीं नहीं होता है, ये लास्ट सोमवार को होता है सावन के महीने में। क्या मांगा बाबा से आपने? बुद्धि दे, सुख शांति दे जीवन में। जो आज अमरनाथ गुफा का जो आप लोगों ने किया है, शिवलिंग बनाया है, ये लगभग कितने कुंटल की होगी, कितने वजन की होगी और कहाँ से कारीगर आए थे? इसमें कारीगर आपके कलकत्ता से अमरनाथ गुफा बनाने के लिए आए हुए हैं और बर्फ के कारीगर अलग आए हुए हैं। इसमें आप ये मान के चलिए 140 किलो की एक सिल्ली होती है, ये लगभग 100 कुंटल के आपके शिवलिंग प्लस पूरे मंदिर में लगता है। अच्छा, कितने फीट का शिवलिंग बनाया गया? ये शिवलिंग करीब 7 फीट का बनाया। कौन सी जगह आई है ये? ओबरा में। कहाँ पड़ता है ये? कहाँ पर आई है? ओबरा राम मंदिर सोनभद्र। और क्या खासियत है आप इस प्रोग्राम की, जैसे उसको बताइए? एक कारीगर कितने दिन तक ये मेहनत करके बनाए इसको? ये करीब 20 दिन से मेहनत करके पूरे ये कलकत्ता से कारीगर आए थे और 20 दिन लगातार मेहनत, सुबह शाम मेहनत करके इन्होंने इसको आज ये रूप दिया है। इसमें पूरे ओबरा के वासियों का सभी का सहयोग मिला है, तभी आज इस मुकाम पे ये पहुंचा। ये आखिरी सोमवार है, पूरे जिले में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता, इसके लिए क्या करेंगे? आसपास एरिया में भी, पूरे सोनभद्र में हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रोग्राम कोई होता। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।